समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में व्याप्त समस्याओं को लेकर एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी से 5 समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान समय से नहीं हुआ तो सपा इसे जन आंदोलन बनाने का काम करेगी। रेलवे स्टेशन रोड, नहर पुल, अप्रोच सड़क सीधा करने की मुख्य मांग। फिरोजाबाद के शुकाहाबाद तहसील कार्यालय एमएलसी ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा कि नगर में वर्तमान में कुछ जटिल समस्याएं बनी हैं जिनका निदान प्राथमिकता से कराना जनहित में है। उन्होंने बताया कि स्टेशन रोड पर नहर पुल निर्माण हो जाने के बाद भी उसे अभी तक मार्ग से जोड़ा नहीं गया, जिससे अनेक समस्याएं आ रही हैं। एनएचआई ने ओरिएंटल कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान बालाजी मंदिर को जाने वाला बीच लिंक रोड को हाईवे से नहीं जोड़ा। इतना ही नहीं, बालाजी मंदिर के सामने सर्विस रोड का निर्माण भी नहीं कराया गया, जिससे यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। एटा से एचकेएच गेस्ट हाउस तक सर्विस रोड पर जल भराव रहता है, जिससे सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं। नगर में विद्युत सप्लाई की बड़ी समस्या है। तो सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी उक्त समस्याओं को जन आंदोलन बनाकर सड़क पर उतरेगी। प्रतिनिधि मंडल में अब्दुल वाहिद, जगमोहन यादव, अनिल यादव, रवि मोहन, अनिल के अलावा सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेके आज ज्ञापन दिया गया है यहाँ सुकाहवा नगर की जो समस्या है, समाजवादी पार्टी ने स्टेशन रोड पर जो नहर के ऊपर पुल स्वीकृत किया था, पुल सकरा है, बहुत पहले का बना हुआ है ब्रिटिश पीरियड का, लेकिन वो सकरा होने के कारण से दोनों तरफ से आवागमन में दिक्कत हो जाती थी। समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं माननीय प्रोफेसर साहब माननीय अक्षत जी के अथक प्रयास से यहाँ पुल स्वीकृत हुआ, पुल बनना शुरू हुआ, बनते बनते सारा लग जाती है, बल्कि कम्प्लीट जब हो गया, चौड़ाई में बना है, दोनों तरफ निकलना आराम से सुलभ हो सकता है, लेकिन उनका ये लिंकअप है रोड को जोड़े जाने वाला, वो साइड से बनाया है तो जोड़े जाने के लिए स्टेशन की तरफ और शहर की तरफ दोनों तरफ सरकारी जमीन है, एक तरफ पीलौडी की एक तरफ सिंचाई विभाग की जगह है। जब पुल मंजूर हुआ था तो देख लिया गया था दोनों तरफ लिंकअप करना है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक उसको जोड़ा नहीं है, जिससे इतना पैसा लगने के बावजूद भी आज पुल वैसे ही खड़ा है जैसा बना था। आवागमन में बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, कहीं कोई सालग होता है, शादी ब्याह होता है, कोई त्यौहार होता है तो लोगों का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है, तो वहाँ जाम इतना लगता है कि लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। एम्बुलेंस भी बीमार आदमी जाए तो वहाँ हो सकता है कोई घटना भी हो जाए, ऐसी हालत। इसमें हमने डीजीएम महोदय से बात की, डीएम महोदय ने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दे के आए हैं, मांग करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन आपने तुरंत टेलीफोन किया ही महोदय को, उनसे कहा है जल्दी शीघ्र कराइए, लिंकअप हो सकता है और कोई अवैधानिक रूप से घेरे उसको खड़ी कराई, तो बात तय हो गई, उन्होंने यहाँ कर दिया, हम जल्दी कराते हैं। दूसरा, एटा चौराहे से एसकेएस गेस्ट हाउस तक पानी इतना भरा रहता है, जहाँ पानी की वजह से लोग गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, इतना पानी है और बरसात के पानी निकालने की जिम्मेदारी ये ओरिएंटल कंपनी की, जिसने एनएचआई रोड बनाया था, वो नगर पालिका पर आरोप लगाते हैं, नगर पालिका की कोई गलती नहीं है, गलती है उनकी, वो पैसा पूरा खा गए, हमने उनको कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तीसरा, एनएचआई के जब रोड बनता है तो लिंक जो रोड होती है 50 मीटर तक जोड़ने की जिम्मेदारी एनएचआई ओब्लिक ओरिएंटल कंपनी की है, उन्होंने वो कोई नहीं किया है, रोड कई टूटे पड़े, हमने उनको भी लिख के दिया है। तो हम ये मांग 5 सूत्री मांग है, बिजली शहर हम प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, मैनपुरी चौराहे के पास एक सड़क बन रही, वहाँ पटरी नहीं बना रहे, इस तरह की समस्याओं को अवगत कराया है। एसडीएम महोदय ने कहा है कि हम हर हालत में इनका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र करा दें।